हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शेखर एंड वेलकम बैक टू फीफा फूस। सो अगर बिग बॉस का करंट सीजन देखे तो उसमें टीना और शालीन का जो जोड़ी है, उस जोड़ी को काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ दे आर दे बिहेव लाइक हस्बैंड वाइफ, दे बिहेव लाइक कपल बट दे डोंट एक्सेप्ट, और फिर जब लड़ाई होती है तो दे बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स। सो देर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी एंड काइंड ऑफ कन्फ्यूजन अमंग्स पीपल। काफी लोग कन्फ्यूज हैं कि यार इन लोगों का रिश्ता क्या है, ये लोग कैसे, मतलब वॉट दे वॉन्ट, वॉट दे आर डूइंग, कोई किसको यूज कर रहा है या ये जेन्युइन फीलिंग है या क्या चल रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सो बिग बॉस में अगर आप देखें तो एक अनकट सीन जो कि कलर्स ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपने वीडियो जो है एपिसोड में नहीं देखा था, तो वो अनसीन वीडियो जो देखा उसमें टीना और शालीन बात कर रहे हैं, जिसमें शालीन अगेन टीना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो हमारे बीच में है, जिसमें टीना जो है एकदम से उनको स्टॉप करके कहती है डू नॉट से अगेन एंड अगेन हमारे बीच में कुछ है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ है नहीं और ये टीवी पे जो है जो लोग देख रहे हैं उनको गलत मैसेज जा रहा है। टीना हमेशा से, अगर आप फाइट देखे जो सुम्बुल और सुम्बुल और सुम्बुल के पापा ने जो बोला था, जो पूरा वाक्या हुआ था, उसमें भी टीना काफी परेशान हुई कि उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है बाहर, एक ब्रांड है जो उनका, वो गलत दिख रहा है। जिस हिसाब से सुम्बुल के पापा ने टीना को टारगेट किया, उस हिसाब से उनका जो ब्रांड है वो बाहर काफी गलत दिख रहा है, और वो कहने लगी कि ये सब मिलके मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो टीना ने भी काफी लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, चाहे वो सुम्बुल हो, इससे पहले अर्चना के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है इसमें टीना काफी परेशान है, इसलिए वो हमेशा शालीन को कहती रहती है कि तुम मेरे कुछ नहीं हो और तुम ये चीज बार बार पोर्ट्रे मत करो, सामने आके मत कहो। उसी कॉन्वर्सेशन के बीच साजिद खान आ जाते हैं, और जिनसे शालीन उनको रोक के पूछते हैं कि आप रुकिए, आप क्या बताइए कि टीना कैसी है, टीना आपको अच्छी लगती है, जिसमें साजिद खान कहते हैं कि हाँ वो अच्छी है। देन वो बताते हैं कि कि टीना की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि वो जो लोग उनके अगेंस्ट है, जो लोग उनको लाइक नहीं करते हैं उन पे वो ज्यादा ध्यान देती हैं, राधा देन जो उनको लाइक करते हैं। तो जिनको वो नहीं लाइक, जो लोग उनको नहीं लाइक करते हैं क्योंकि वो उनपे काफी ध्यान देती हैं, इस वजह से वो उनपे ध्यान नहीं दे पाती हैं जो उनको लाइक करते हैं। और ये कॉन्वर्सेशन करके साजिद खान वहां से चले जाते हैं, जिसमें टीना और शालीन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है। अगर देखी जाए तो टीना फोकसेस मोर ऑन नेगेटिव थिंग्स रादर देन मोर ऑन पॉजिटिव थिंग्स, और टीना और शालीन के लिए काफी कंफ्यूजन है। सुम्बुल का एक थर्ड एंगल बन गया था, और टीना और शालीन हमेशा लवी डवी कपल जैसे बिग बॉस के हाउस में रहते हैं, बट अगर उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं? शायद टीना जो है बाकी शालीन का इस्तेमाल करके अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, या शालीन सुम्बुल और टीना दोनों के कहीं ना कहीं उनको कॉन्टेंट बना के यूज करना चाहते हैं और बिग बॉस हाउस में से चलना चाहते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है टीना और शालीन के बारे में, और उनकी जो भी पेयरिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।